ययात पुत्रों के वंश का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, सूत जी, हम लोग पुरु, द्रहु, अन्न, यदु तथा तुर्वस के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने, मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए, उनके पुत्र का नाम मनुष्य था। मनुष्य के पुत्र राजा अभियत थे, अभियत के सुधनवा, सुधनवा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राक्ष, रौद्राक्ष के दर्शनायु, क्रिकड़ेयु, कक्षेयु, स्थंडलेयु, सनंतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु, यौवनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शुद्रा, मद्रा, शल्दा, मल्दा, खल्दा, नल्दा, सुरसा, गोजपला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परमेशस्वी सोम को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभाव फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकरन ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनकी बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राक्ष की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। स्वस्त्रात्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई। कक्षेव के सभा नर चाक्षुष तथा परमन्नु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभा नर के पुत्र काला नल, काला नर के धर्मज्ञ संजय, संजय के पुत्र वीर पुरंजय, पुरंजय के पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे, देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तितुक्ष, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर के 5 पत्नियां थी, जो राजश्रियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार है, नृगा, क्रिम, नवा, दरवा तथा दृश्यद्वती। उनसे उशीनर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग थे, क्रिम के गर्भ से क्रिम का ही जन्म हुआ। नवा के 9 तथा दरवा के सुव्रत हुए। दृश्यद्वती के गर्भ से उशीनर कुमार शिव की उत्पत्ति हुई। शिव को शिव देश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में योधेय प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा क्रिम को क्रिमलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्भष्ट देश आया। शिव के विश्व विख्यात 4 पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुवीर, केकय तथा मद्रक। उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितुक्ष की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितुक्ष पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उषद्रथ हुए। उषद्रथ के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बल हुए। राजा बल सोने का तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंक की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहम, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सभी लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बल के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे, एक कल्प की तुम्हारी आयु होगी, बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे, संग्राम में तुम्हें कोई जीत न सकेगा, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों का मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी यों कहने पर बल को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं, अंग, वंग, सुहम, कलिंग और पुंडरक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराजा दधिवान हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिव्यरथ, दिव्यरथ के इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ, धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋषिश्रृंग की मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हरवश्य हुए। हरवश्य के पुत्र वैभाण्डिक थे, जिनका वाहन
इंद्र का एरावत था, उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हरिवंश के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के पुत्र बृहद्दर्भ और बृहद्दर्भ से बृहन्मना की उत्पत्ति हुई। महाराजा बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ, दृढ़रथ के विश्व विजय जन्मेजय, उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। वे सब अंग वंशी राजा बतलाए गए हैं, जो सत्यवती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रौद्राक्ष कुमार राजा ऋचेव के वंश का वर्णन करूंगा। सुनो, ऋचेव के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेद वेत्ता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी, इसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजश्री धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए, दुष्यंत, सुषमंत, प्रवीर और अनाथ। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वह शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारत वर्ष कहते हैं। अंगिरानंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वितत हुआ। वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भरद्वाज जी वितत को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी काशिक तथा राजा गृत्मत। गृत्मत के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत। उसके 3 पुत्र हुए, अजमीर, दुमीर और पुरमीर। अजमीर से नील के गर्भ से सुशांत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांत से पुरजात और पुरजात से बाह्याश्व का जन्म हुआ। बाह्याश्व के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो समृद्धशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यो हैं, मुद्गल, श्रृंजय, राजा बृहदिश, पराक्रमी यवीनीर तथा कृमलाश्व। ये 5 देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। मुद्गल के पुत्र महायशस्वी मौदल्य थे। महात्मा श्रृंजय के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे प्रसद थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी आजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। आजमीर की एक और पत्नी थी, जिनका नाम था धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया था। पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उस अवस्था में राजा अजमीर ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष के धूम्र के समान वर्ण वाले वो दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र और अमरीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधनवा, सुधन, परीक्षित और अर्मेजय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सुरथ, सुरथ के पुत्र विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोम वंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नामक राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतन, देवाप तथा बाहलिक, ये तीनों महारथी पुत्र हुए। अब राजश्री बाहलिक के वंश का वृत्तांत सुनो। बाहलिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल, ये 3 पुत्र हुए। देवाप देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतन कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतन के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतन के गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवव्रत ही भीष्म के नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतन की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर की स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने
धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यापीड़ नामक दो पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय के क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वह पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारू की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर श्वेतकर्ण पहले किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले गए। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिष्य को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिष्य पर्वत की घाटी से रो रहा था, तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के दो पुत्र थे, पैपलाद और कौशिक। वे दोनों उस शिष्य को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरी की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपार्श्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में दो ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया है। नहर्षि नंदन ययाति ने अपने वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्गार प्रकट किया था। संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वस, द्रहयु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वस के पुत्र वहिन, वहिन के गोभान, गोभान के राजा त्रैशानु, त्रैशानु के करंधम तथा करंधम के मरुत हुए। अविक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करंधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता के नाम कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पूर्ववंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययात के शापवश जब तुर्वस का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अहरीत की उत्पत्ति हुई। अहरीत के 4 पुत्र हुए, पांडय, केरल, कोल तथा चोल। द्रुहे के पुत्र बभ्रसेत हुए। बभ्रसेत के अंगारसेत, अंगारसेत के मरुत्पत्ति हुए, जो युद्ध में योना सुकुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगारसेत के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनुके पुत्र धर्म, धर्म के दूत, दूत के वंदु, वंदु के प्रचेता, प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम है सहस्त्रात, पयोत, क्रोष्ट, नील और अंजिक। सहस्त्रात के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, हय हय तथा वेणु है। हय का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त, कार्त के साहंज नामक पुत्र हुआ। साहंज ने साहंजनी नामक नगरी बसाई। साहंज का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण थे। भद्रश्रेण के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार है, कृतवीर, कृतौजा, कृतधन्वा तथा कृताग्नि। कृतवीर से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1,000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति उसके 1,000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र, नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता था तथा 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1,00,000 की दक्षिणा दी गई थी। सब में सोने के यूप गड़े थे।
सोने की ही वेदियां बनी थी। वहां दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षिगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजलोग यज्ञ दान तपस्या पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए सातों द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सभी प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्र किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी माहिष्मतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वह वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जलराश के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वह जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वह अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगे विचुरित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिम आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भावरों के कारण शुद्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंत्राचल पर्वत से शीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र बाहुओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंत्राचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतपथ से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने पांच ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और माहिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना दिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उनके पास गए। महर्षि की याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की हजार भुजाओं में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हो अथवा वज्र फटफड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है जिन्होंने स्वर्णमय तालवन के समान राजा कार्तवीर की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी। उन्होंने सातों द्वीपों, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, वह वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपव भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने शाप दिया। हाय हाय, तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदाग्नि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी हजारों भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्म पूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होता था, वे महाराज कार्तवीर महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इस तरह का वर मांगा था। कार्तवीर के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: शूरसेन, शूर, वृषण, मधुपध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। हय हय वंश में वीति होत्र सुजात, भोज, अवंत, तौंडिकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम से बतलाए गए हैं। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए जिनमें वृषण वंश चलाने वाले वृषण के वृष और मधु के वंशज माधव कहलाए।
इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा हयह के नाम से हयह क्षत्रि कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तिक वीर अर्जुन के जन्म का वृत्तांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययात पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रोष्ठ के, जिनके कुल में वृष्ण वंशावतंस श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।